नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। आज गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने जा रहा है। बता दें कि पुरानी संसद में सोमवार 18 सितंबर को कार्रवाई का अंतिम दिन था। वहीं स्पेशल सेशन के बाद कल शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। ऐसे में बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। जानकारी के मुताबिक चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र सरकार लोकसभा में 180 सीटें बढ़ा सकती है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर सरकार सीटें बढ़ाने का फैसला लेती है तो यह आंकड़ा बढ़कर 743 हो जाएगा। इधर महिला आरक्षण बिल पर अब पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सोनिया गांधी मंगलवार को संसद भवन पहुंची और मीडिया से बातचीत में कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का दिया हुआ है। भाजपा सांसदों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था, जिसके बाद 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा दिया था। तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। इसके बाद बिल भी लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। लेकिन अब बीजेपी बुधवार या फिर उसके एक दिन बाद महिलाओं की एक बड़ी सभा दिल्ली या दिल्ली से जुड़े राजस्थान के किसी शहर में कर सकती है। वहीं सभा भी खुद पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को फिलहाल गुप्त रखा गया है। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।